नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सुकमा में सीआरपीएफ के कैंप पर बड़ा नक्सली हमला हुआ, 3 जवान शहीद हो गए, 14 घायल हो गए हैं। टेकलगुड़ेम में नक्सलियों से मुठभेड़ भी हुई, 6 नक्सलियों के ढेर होने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। इधर घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर लिया गया, जवानों को जगदलपुर और रायपुर लाया गया है। 8 जवान रायपुर में है, 6 जवान जगदलपुर में भर्ती है। टेकलगुड़ेम में पुलिस ने नया कैंप खोला है, पहले से घात लगाया, नक्सलियों ने फायरिंग की, 100 से ज्यादा BGL इन्होंने दागे हैं। बस्तर IG सुंदरराज पी ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दी, पुष्टि भी की। तीन जवान शहीद हो गए हैं, 6 नक्सलियों के ढेर होने का दावा किया जा रहा है, 100 से ज्यादा BGL दागे गए हैं। टेकलगुड़ेम में कुछ साल पहले हमला हुआ, 21 जवानों की शहादत हुई थी। वहीं पर फिर एक कैंप बनाया गया, नक्सलियों की मांग में जाकर वो कैंप बनाया गया और आज वहां पर हमला, घात लगाकर हमला किया गया। 14 जवान जख्मी है, 3 जवानों की शहादत हुई है। CM साय ने इस घटना की कड़ी निंदा की और उन्होंने यह भी कहा कि शहादत बेकार नहीं जाएगी। इसी कड़ी में याद कर लीजिए विजय शर्मा का बयान, डेप्यूटी CM, उन्होंने भी कह दिया था बातचीत के लिए रास्ते खुले हैं, मुख्य धारा में लौटिए। 3 तस्वीरें, एक में घायल जवान आपको नजर आ रहे होंगे। इसके बाद एम्बुलेंस के जरिए जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया, अस्पताल में इलाज जारी है। 100 से ज्यादा BGL दागे गए हैं। CRPF कैंप पर टेकलगुड़ेम में बड़ा नक्सली हमला, इस कैंप को लेकर बौखलाए हुए थे नक्सली। तकरीबन 4 से 5 घंटे तक यह मुठभेड़ चली है। बस्तर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाका में नक्सलवादी अभियान, साथ साथ क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधा से उन्हें लाभान्वित करने के लिए लगातार विगत दिनों में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे। इस सिलसिला में आज जिला सुकमा एवं बीजापुर के सीमावर्ती टेकलगुड़ेम इलाका में नवीन कैंप स्थापित किए जा रहे थे। कैंप स्थापना के लिए हमारा आउटर कॉर्डन में सुरक्षा बल तैनात थे। इस दौरान माओवादी के पैटल नंबर 1 MCRC यानी फॉर्मेशन का माओवादी द्वारा जो हमारा आउटर कॉर्डन में जो लगा हुआ कोबरा और STF DRG CRPF के बल के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हमारे जवान द्वारा काफ़ी मुंहतोड़ जवाब दिए गए थे, उसमें संभवतः माओवादी के कम से कम 6 कैडर मारा जाने का हमारे पास अभी विजुअल्स प्राप्त हुई है। साथ साथ इस घटना के दौरान हमारा जो 3 जवान हैं उनमें से 2 कोबरा 201 बैटालियन का और 1 CRPF 150 वाहिनी का, 3 जवानों का शहादत हुई है। उन्होंने काफ़ी बहादुरी से इस मुठभेड़ में लड़ाई लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश 3 घायल हुआ और घायल के पश्चात उन्होंने स्पॉट में उनका शहादत भी हो गए थे। अन्य जो 14 हमारा जवान है जिन्हें स्प्लिंटर इंजरी और मामूली चोट आए थे उन्हें तत्काल अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट करके जयलपुर मेडिकल कॉलेज एवं रायपुर में 2 अन्य हॉस्पिटल में उनका इलाज की जा रही है। इधर रायपुर में डॉक्टर ने घायल जवानों के बारे में जानकारी दी है। घायल जवानों का जो इलाज कर रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र नायक, उन्होंने ये जानकारी दी है कि वेंकटेश जो जवान है वेंकटेश, उसकी हालत गंभीर है, बाकी जवानों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। तकरीबन 48 घंटे इन सबको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। जवानों के हाथ जांग पर भी गोली लगी है, गिरने से सीने में दबाव भी महसूस हो रहा है। देखिए अभी तक 4 जवानों को यहाँ पे लाया गया है जिसमें वेंकटेश है, वो काफी गंभीर है, उसको 2 बुलेट इंजरी उसको लेफ्ट थाई में लगी हुई है और 1 स्प्लिंटर इंजरी एब्डोमिन में है, तो उसकी हालत काफी सीरियस है। और उसके अलावा एक राजेश है जिसको कि राइट साइड हाथ में लगी हुई है इंजरी, गोली जो है आर पार हो गई है। इसके अलावा हरजिंदर है जिसको कि घुटने, बाएं घुटने में और बाएं हाथ के फोर आर्म में चोट लगी हुई है और उसके बाद में उसको छाती में दबाव हुआ है, वो गिरने के कारण में हुआ होगा उसको। और एक इरफान है जिसको कि जो छोटी उंगली होती है, लिटिल फिंगर होती है, उसमें जो है गोली आर पार हो गई है।
तो अभी तो स्थिति जो है सभी लोगों की अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है तो 48 से 72 घंटे लगेंगे कुछ भी कहने के लिए। डॉक्टर ने जवानों के स्वास्थ्य की जानकारी भी दी है। इसके अलावा न्यूज 18 लगातार हर पहलू आप तक पहुंचाता रहा है। डेप्यूटी सीएम ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। सुकमा में जगरगुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेकलगुड़ा ऐसा स्थान है जहां पर कैंप लगाने के लिए पूरा फोर्स किया हुआ था। 1100 से अधिक जवान हमारे थे उसमें, कोबरा बटालियन के सीआरपीएफ से थे। वहां पर नक्सलियों ने घात लगा करके कायराना हमला किया, उसमें 3 जवान हमारे शहीद हुए, स्प्लिंटर इंजरी भी हुई है। और विशेष ये है कि अभी सर्चिंग अब भी जारी है। वहां पर जहां पर जाना मुश्किल होता था पिछली बार, जहां पर 23 हमारे जवान शहीद हो गए थे, वहां पर कैंप लग रहा है हमारा। ये जवानों की बहुत बड़ी जीत है कि उस स्थान पर जहां पर जाना मुश्किल होता था आज वहां कैंप लग रहा है। हेलो सर, एक चीज और भी है कि यहाँ पर कई बार ऑफर रखा गया कि नक्सलियों से बातचीत कर मसले को नॉर्मल किया जाए, बातचीत का ऑफर कई बार दिया गया, लेकिन नक्सलियों की ये हरकत जो अब सामने आई है इसका जवाब किस तरीके से दिया जाना चाहिए? और क्योंकि गृह मंत्रालय आपके पास है तो क्या आपको लगता है कि वहां पर जो मौजूदा फोर्स है इसको बढ़ाने की भी बात आएगी सामने? अभी केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का भी छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था, उन्होंने पूरी समीक्षा की है और उन्होंने ये कहा भी है कि आने वाले 3 वर्षों में इस नक्सलिज्म से हम सबको मुक्ति मिलेगी। मैं आपसे इसमें ये कहना चाहता हूँ कि नक्सलियों को से चर्चा बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार है। मतलब वो हमारे जवान नौजवान अगर जो इस दिशा में जा चुके हैं, जिनको मुख्य धारा में अगर लाया जा सके तो कभी भी वो समय कभी भी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये सच है कि जितना दर्द समाज को दिया गया है, जितने बड़े भूभाग को, क्षेत्र को, लोगों को मौलिक सुविधाओं से वंचित करके रखा गया है, इसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, सुकमा से नक्सलिज्म का बहुत पुराना कनेक्शन है, हमने देखा है कि कई बार नक्सली सुकमा के हाँ मेरी बातचीत हुई तो मलकित से बात हुई, अविनाश से बात हुई है और वो सब बेहतर अपने आप, उनका जो मनोबल है काफी बढ़ा हुआ है और उन्होंने घटना के बारे में भी जानकारी दी है कि किस तरह से उन्होंने नक्सलियों का मुकाबला किया और किस तरह से नक्सलियों को पीछे खदेड़ा है। जैसे मलकित से बात हुआ तो उसका कहना है कि सर 500 से भी ज्यादा नक्सली थे और काफी चारों तरफ से फायरिंग हुआ था और उसके बावजूद भी जो जवानों ने डट करके मुकाबला किया, जब तब वो वहां से जो है नक्सलियों ने नक्सलियों का घेरा तोड़ा और नक्सलियों को वहां से भगाने में जो है सफल हुई। और उनका यह भी कहना है कि काफी संख्या में नक्सलियों की भी जो है मरने की जानकारी है। थैंक यू। तो लगातार जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हुए हैं, वहां पर भी उपचार जारी है जो घायल जवान हुए हैं। इसके अलावा युगल की नजर लगातार बनी हुई है, रायपुर में किस तरह से उपचार चल रहा है? युगल, पहले मैं आपके पास ये आना चाहूंगा, 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन की बात कही जा रही है, वेंकटेश नाम का एक जवान है जो बुरी तरह जख्मी है, हालत उसकी गंभीर है, इन सबके बीच क्या अपडेट युगल? जी बिल्कुल ललित, हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचेंगे, गृह मंत्री हैं वो भी साथ में आएंगे और आप देख सकते हैं गाड़ी का जो काफिला है उनका आना शुरू हो चुका है और उसके बाद आएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियों में पुलिस के जो अधिकारी हैं वो हैं, वो पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद गृह मंत्री हैं वो पहुंचेंगे, डीजीपी अशोक जुनेजा हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं वो आएंगे, गृह मंत्री हैं वो आएंगे। तो ये कहा जा सकता है अगर हम जवानों के हालत की अगर बात करें तो जो जिस तरह से डॉक्टर ने कहा है कि वेंकटेश की हालत है वो काफी गंभीर बनी हुई है, इरफान है, राजेश पंचाल है और हरेंद्र सिंह है, ये बालाजी हॉस्पिटल में इनका उपचार है वो चल रहा है। इसके अलावा नारायणा अस्पताल है वहां पर भी उपचार जारी है, जिसमें ओम प्रकाश है उनका उपचार अभी चल रहा है साथ ही साथ,
मलकीत सिंह है उनका उपचार चल रहा है और मधु कुमार इसके अलावा अविनाश शर्मा है इन सभी का उपचार है। 8 जो जवान यहां पर आए हैं उन सभी का उपचार है यहां पर जो जारी है और आप देख सकते हैं कि डीजीपी हैं मुख्यमंत्री खुद कुछ देर बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री भी पहुंचने वाले हैं और यहां आकर के जवानों का हाल है वो जानेंगे। और अगर हम बात करें माओवादी इस तरह की कायराना करतूत हैं वो करते हैं पहले जाल बिछाते हैं फिर जैसे कैंप से वापस लौट रहे थे कैंप गठन करने के बाद उसके बाद इस तरह से जो हमला है वो किया गया है कायराना हमला इसे कहा जा सकता है। और फिलहाल हमारे जो जवान हैं उनके हौसले बिल्कुल जो बुलंद है और 2 बुलेट है वेंकटेश को लगी है थाई पर उसकी स्थिति गंभीर हमारे साथ है, जी, जी, है, हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल भी जुड़े हुए हैं उनके पास भी हम आपको लिए चलते हैं। इस चीज के दायरे को दरअसल बहुत बड़ा करके देखने की जरूरत है। बहुत सालों से ये कहा जाते रहा कि इतने साल में निपटा दी जाएगी ये समस्या उतने साल में ये समस्या निपटा दी जाएगी समस्याएं निपट रही नहीं है। बहरहाल अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक अभी एक अधिकारी से भी मेरा ख्याल है बातचीत हो रही थी उन्होंने जवानों के बारे में भी जानकारी दी है। इससे बड़े पर्सपेक्टिव में हम ऐसे समझना चाह रहे हैं कि कुछ दिनों पहले ही विजय शर्मा ने कहा था कि या तो वो बातचीत का रास्ता है और या फिर आर पार की लड़ाई है। अब क्या फैसले मजबूत होंगे? जी बिल्कुल, देखिए पहले मैं बता दूं आईजी रतनलाल डांगी यहां पहुंचे हुए थे घायल जवानों से मुलाकात करने के लिए, मुलाकात की है उनकी बात हुई है यहां पर और बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। खुद घायल जवानों से उनकी बातचीत हुई है किस तरीके का ये एम्बुश था किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ तमाम बातें उन्होंने की है और घायलों को यहां पर देखा है। 4 जवान नारायणा हॉस्पिटल में है 4 बालाजी हॉस्पिटल में है और उन्हीं को देखने के लिए रतनलाल डांगी यहां पर पहुंचे थे ललित। और जहां तक नक्सल मुठभेड़ की आप बात कर रहे थे नक्सल मुठभेड़ को लेकर मैं बता दूं कि ये वाकई लंबी लड़ाई है लंबी जंग है जो कि लगातार यहां पर चल रही थी और इस जंग को लेकर अगर हम बात करें तो ये यहां पर लगातार चल रही थी। हमारे साथ आईजी रतनलाल डांगी जी खुद हैं, हम एक बार फिर उनसे सर चर्चा करते हैं। सर आप ये मुठभेड़ को लेकर क्या आप तक जानकारी पहुंची है? देखिए मुठभेड़ को लेकर के जानकारी हमारे पास इतना ही है कि 8 जवान जो घायल थे जिनको कि वहां से एयरलिफ्ट करके यहाँ पहुंचाया गया था उनको बेहतर इलाज के लिए जो है यहाँ पर लाया गया जिसमें से 4 जो जवान है इस हॉस्पिटल में एडमिट है और 4 जो श्री बालाजी हॉस्पिटल में ले गए हैं। कैसी स्थिति सर यहाँ घायल जवानों से आपसे बात हुई है? यहाँ के जो जवान है 4 जवान जो उनको लाए गए उनसे मेरी बात हुई है और उनसे डॉक्टर से भी बात हुई है तो वो बेहतर स्थिति में स्टेबल है और खतरे से बाहर है। कैसे उनको ये मुठभेड़ हुई उस बारे में कुछ वो बता पा रहे हैं? मुठभेड़ के बारे में एक जवान ने जानकारी जरूर दिया कि जो है वो कुछ एक नया कैंप वहाँ स्टेब्लिश करने के लिए गए थे और उसी दौरान इन्होंने जो कोडन एरिया को कर रखा था उसी समय नक्सलियों के द्वारा कुछ फायरिंग किया गया इनके ऊपर और तो इन्होंने भी बड़ा बहादुरी के साथ मुकाबला किया और इसी घटना के दौरान ये लोग इंजर्ड हो गए थे। सर आमतौर पर देखा जाता है कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तो आप लोग कुछ बड़ी बैठकें करते हैं तो क्या आज कल में ऐसी कोई बैठकें आप लोग प्लान कर रहे हैं? देखिए इसके बारे में तो जो वरिष्ठ अधिकारी जो बस्तर के हैं वही जानकारी दे पाएंगे क्योंकि मैं यहाँ के जो इंजर्ड लोग हैं हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो घायल जो जवान है उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो। ये थे आईजी रतनलाल डांगी और वो यहाँ घायल जवानों को देखने के लिए पहुंचे हुए थे। उनका कहना है कि घायल जवानों से उनकी बातचीत हुई है पूरी तरह सुरक्षित है घायल जवान डॉक्टर्स के साथ भी उन्होंने चर्चा की है। 4 जवान इस हॉस्पिटल में लाए गए हैं और इस हॉस्पिटल में फिलहाल इन 4 जवानों को रखा गया यहाँ पर जिनका इलाज चल रहा है। और जहां तक मुठभेड़ की बात है मुठभेड़ को लेकर उन्होंने कहा है कि कैंप की जो जानकारी बस्तर से आई है वही जानकारी उनके पास भी यहाँ पर उपलब्ध है। फिलहाल वो घायल जवानों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं ये जो हमले की डेंसिटी थी जिसे हमें कहना चाहिए आक्रामक था उसे लेकर एक सवाल रहेगा। इतनी बड़ी संख्या में बीजीएल और पिछली बार जब आप चर्चा कर रहे थे दांगी साहब से तो उन्होंने कहा था तकरीबन 500 नक्सली। मैं आऊंगा इस सवाल के साथ श्रीनिवास के पास लेकिन पहले जाना होगा। श्रीनिवास कुछ अपडेट जवानों की हालत कैसी?
देखिए जो छह जवान हैं जो आज जो मुठभेड़ हुई है उसमें छह जवानों को जगदलपुर एयरलिफ्ट किया गया है, जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और सभी की हालत खतरे से बाहर है, सभी डॉक्टरों की निगरानी में है। बस्तर आईजी ने बताया कि जो छह जवान हैं वो खतरे से बाहर है और सभी का इलाज किया जा रहा है। बस्तर संभाग में जो 64 नवीन कैंप की स्थापना हुई थी और एक नवीन कैंप जो है सुकमा और बीजापुर के जो सरहदी इलाके में जो जूनागुड़ा और अलीगुड़ा के बीच आज जो मुठभेड़ हुई है उसको उस नवीन कैंप की स्थापना से जो माओवादी काफी बौखलाए गए थे। श्रीनिवास ओपनिंग के दिन जवानों और ओपनिंग के दिन इस तरह का हमला ये मनोवैज्ञानिक दबाव ज्यादा डालता है। श्रीनिवास जी बिल्कुल, बस्तर आईजी ने बीते दिनों कुछ पहले ही कहा था कि नक्सली अब अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके कई नक्सली नेता मारे गए हैं या कोविड में मौत हो गई और मुठभेड़ में मारे गए, लेकिन माओवादी अब अपने जनाधार को बचाने के लिए और अपने सुरक्षित ठिकानों को बचाने के लिए जो थोड़ी बहुत दहशत बची हुई है उसे वो बटोर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये तमाम अपडेट्स हमारे तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे और लगातार इस बड़े घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।